नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। परिवहन मुख्यालय लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपद के संभागीय परिवहन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी हुआ कि वाहन डीलर के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण किया जाए। इसको लेकर आज जनपद अमरोहा के संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान संभागीय प्रवर्तन अधिकारी महेश कुमार शर्मा ने बताया कि जनपद अमरोहा में ऐसे 67 वाहन डीलर हैं जो छोटे से लेकर बड़े तक सभी वाहनों को बेचने का काम कर रहे हैं, जिसमें 27 ऐसे वाहन डीलर हैं जिसके ट्रेड सर्टिफिकेट एक्सपायर थे, जिसकी अलग से सूची जारी की गई है। उन्होंने बताया कि वह आज 14 वाहन डीलर के व्यवसाय की जांच भी कर चुके हैं, जिनमें 7 डीलर ऐसे हैं जिनकी एक्सपायर डेट समाप्त हो चुकी है। उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अपनी मांगों के अनुसार कार्य को पूरा करें। जो वाहन डीलर सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा परिवहन मुख्यालय लखनऊ से उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए कि जो वाहन डीलर हैं इनके व्यावसायिक स्थल का निरीक्षण किया जाए। उसके लिए कुछ बिंदु बताए गए, चेकलिस्ट बनाई गई जिन बिंदुओं पर उनका निरीक्षण होना था, तो उसके आधार पर हम निरीक्षण कर रहे हैं। जो कमियाँ पाई जा रही हैं वो नोट करके रिपोर्ट बना करके RTO एडमिनिस्ट्रेशन साहब को दी जाएगी। उनको नोटिस के माध्यम से उसको दूर कराया जाएगा। नहीं दूर करेंगे तो उनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, ट्रेड निलंबन की या अन्य किसी प्रकार की, तो वो कार्यालय स्तर से की जाएगी। देखिए, कुल हमारे जनपद में 67 ऐसे डीलर हैं जो वाहन बेच रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, दुपहिया वाहन हैं, तिपहिया, ई रिक्शा, बड़े वाहन, मध्यम वाहन। तो ऐसे 67 में 27 जो थे उनके ट्रेड सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से एक्सपायर्ड थे, उसकी अलग लिस्ट बनाई गई, और 40 जो हैं वो हमारे वैध डीलर, वाहन डीलर हैं, उनकी एक अलग लिस्ट बनाई गई। और हम 4 अधिकारी हैं, ARTO एडमिनिस्ट्रेशन, हम एनफोर्समेंट में हैं, PTO, RI साहब इत्यादि, इन चारों को इनको बांट दिया गया है। तो मेरे हिस्से में 17 जो है आए हैं, जिनमें 7 वैधता समाप्त वाले हैं और 10 जिनके ट्रेड सर्टिफिकेट वैध हैं। तो उनका निरीक्षण में मैं 14 के निरीक्षण कर चुका हूं, और 14 में कईयों में बहुत अनियमितता पाई गई है, जिनकी मैं रिपोर्ट ARTO एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दूंगा। और एक आध डीलर ऐसा भी मिला है कि जिसकी वैधता समाप्ति फिर भी कार्यकर्ता पाया गया है। सोनौली गाँव है, डिडौली के पास में, वहाँ पर AQ ट्रैक्टर डीलर है, उसकी वैधता समाप्त है फिर भी वो अपना काम कर रहा था। उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हमने ARTO एडमिनिस्ट्रेशन को लिख दिया है। कल परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी सभी विभागीय अधिकारियों की, जिसमें जो हमारा राजस्व लक्ष्य है उसके सापेक्ष 100% प्राप्ति के लिए निर्देश दिए गए थे। ये संज्ञान में आ रहा था कि जो हमारे वाहन विक्रेता हैं वो गाड़ी बेच देते हैं और इनवाइस काट के रखते हैं, टैक्स नहीं काट रहे हैं, उससे हमारे रिवेन्यू में कमी आ रही है। दूसरा ये हो रहा कि बिना पंजीयन के ही गाड़ियां सड़क पे आ रही हैं, उसकी भी शिकायतें आ रही थी। तीसरा ये है कि जो उनका रखरखाव है वो निर्धारित तरीके से नहीं किया जा रहा पत्रावलियों का। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में वाहन विक्रेता ही जो गाड़ियाँ बेचते हैं उनके फाइलों का रखरखाव करते हैं। चौथा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था ये कि सभी वाहन विक्रेता अनिवार्य रूप से प्रदूषण केंद्र, वहाँ पर संयंत्र स्थापित करेंगे उस पर, सेंटर पर, तो एक इसकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो ये फौरी तौर पर 7-8 चीज़ें थी जिनमें लगातार मुख्यालय को कुछ चीज़ें शिकायत हो रही थी, उसके क्रम में जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और जहाँ तक है आज या कल में हम लोग सभी जनपद के जो वाहन विक्रेता हैं उनके शोरूम की जांच करेंगे इस संबंध में। और इसी के साथ देखते हैं अमरोहा की आवाज।